स्टूडेंट, आज क्लास हम बात करने वाले हैं लाइम टॉपिक पर, यानी कि चूना के बारे में। तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जुड़े हुए कई सवाल हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज हम डिटेल कंटेंट पढ़ने के साथ साथ इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस की भी हम बात करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट क्लास लाइम के बारे में आज। तो देखिए, लाइम क्या है, जब तक हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की खोज नहीं हुई थी, यानी हम बहुत पहले की अगर हम बात करें, जब तक ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब उस टाइम हम बाइंडिंग मटेरियल के रूप में, यानी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी रखने वाला एक मटेरियल था लाइम। यानी लाइम का यूज हम किसके लिए करते थे, एज ए मोर्टार, एज ए प्लास्टर हम यूज करते थे कंस्ट्रक्शन के लिए। तो लाइम क्या है, लाइम एक सीमेंटिंग मटेरियल है जो कि कंस्ट्रक्शन में मोर्टार और प्लास्टर के फॉर्म में यूज किया जाता था, पर आज नहीं। अब तो बहुत ही इसका यूज बहुत ही कम है, ना के बराबर है। लेकिन आज से बहुत साल पहले की अगर हम बात करें, जब हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का इन्वेंशन नहीं हुआ था, उस टाइम हम क्या करते थे, लाइम का ही यूज करते थे एज ए सीमेंटिंग मटेरियल, एज ए बॉन्डिंग रखने वाला एक पदार्थ था, जिसका हम यूज एज ए मोर्टार और एज ए प्लास्टर हम इसका यूज करते थे। तो देखिए, लाइम हमारा कैसे बनाया जाता है, लाइम के सोर्सेस क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइम कभी भी हमें प्रकृति में, यानी नेचर में, फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है। तो लाइम अगर प्रकृति में फ्री फॉर्म में नहीं अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम कैसे इसको ऑब्टेन करेंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं इसके सोर्स क्या है, यानी कहां से हम लाइम को प्राप्त करते हैं, किस तरीके से हम लाइम को हम बनाने के लिए हम कौन कौन से सोर्स का यूज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है हमारा प्योर लाइम स्टोन। मैंने अभी बताया आपको कि लाइम का यूज, लाइम जो हमारा फ्री फॉर्म में प्रकृति में अवेलेबल नहीं है, ये कुछ पत्थरों के रूप में, कुछ अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, जिनको हम बर्निंग करके, हीटिंग करके, अलग अलग तरीके से, मेथड से हम क्या करते हैं, लाइम को ऑब्टेन कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्योर लाइम स्टोन के बारे में। तो देखिए जरा, अब लाइम जो बनने वाला है, यानी हम जिस लाइम को बनाने वाले हैं, यानी क्विक लाइम, हाइड्रेटेड लाइम या हाइड्रोलिक लाइम, जितने भी टाइप के लाइम हम बनाने वाले हैं, ये डिपेंड करता है कि सोर्स किस टाइप का था। यानी कि जैसे देखिए, मैंने यहां पर लिख रखा है कि प्योर लाइमस्टोन का अगर हीटिंग या कैल्सियम, जस्ट आपको समझाने के लिए बताता हूं, अभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्योर लाइमस्टोन की अगर हम हीटिंग कर दें, यानी गरम करके, यानी गरम करने का मतलब यह है कि उसका हम कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन क्या है, कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी चीज को रेड हॉट होने तक जला देते हैं, यानी इतना उसे हम हीट करते हैं कि वो रेड हॉट हो जाए। किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि प्योर लाइमस्टोन का अगर हम कैल्सिनेशन करेंगे, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसे रेड हॉट करेंगे, तो उस केस में हमें देखने को मिलता है क्विक लाइम, यानी एक प्योर लाइम हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा, अगर हम इम्प्योर लाइमस्टोन को जलाते हैं, जैसे कि कंकर लाइम, तो हमें मिल रहा है हाइड्रोलिक लाइम। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि डिपेंड कर, बनने वाला लाइम डिपेंड करता है कि उसका सोर्स किस टाइप का है। तो पहले हम सोर्स के बारे में ही बात कर लेते हैं, इम्प्योर लाइम किसे कहेंगे और प्योर लाइम किसे कहेंगे, कंकर लाइम हमारा क्या होता है। तो यहां से हमें एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो देखें, सबसे पहले हम बात करें प्योर लाइमस्टोन के बारे में, कि शुद्ध जो हमारा चूना पत्थर है वो क्या है। तो प्योर लाइम स्टोन इज कॉल्ड कैल्साइट। यानी कि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमारा यही बना, पूछा जाता है कैल्साइट का फार्मूला। कई बार कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कैल्साइट का फार्मूला हमारा क्या होता है। कैल्साइट का मतलब है यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3। तो प्योर लाइमस्टोन को हम क्या कहते हैं, यानी जब लाइमस्टोन में प्योर लाइमस्टोन अगर है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, कैल्साइट के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर हम कैल्साइट कोई हमें कहता है, तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि हमारा क्या है, एक प्योर लाइमस्टोन है, इसको अगर हम बर्न करेंगे तो हमें क्विक लाइम देखने को मिलेगा। तो अब आगे देखें, एंड दैट कंटेनिंग मैग्नेसाइट, यानी मैग्नेसाइट का मतलब यह है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट। यानी अगर इस लाइमस्टोन में, प्योर लाइमस्टोन में अगर मैग्नेसाइट की मात्रा उपस्थित है, मैग्नेसाइट अवेलेबल है उसके अंदर, था उस केस में हम इसको कहते हैं डोलोमाइट लाइमस्टोन। यानी कि लाइमस्टोन तो है ही है, साथ में डोलोमाइट भी, इसको हम कहते हैं डोलोमाइट लाइमस्टोन। इसका मतलब अब आपको याद क्या रखना है कि प्योर लाइमस्टोन क्या है, प्योर लाइमस्टोन को हम कहते हैं कैल्साइट। कैल्साइट का मतलब है CaCO3। अगर इसमें मैग्नेसाइट भी अवेलेबल है, यानी कि लाइमस्टोन में अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट, यानी MgCO3 की मात्रा भी अगर अवेलेबल है, तो उस केस में उसे हम कहेंगे डोलोमाइट लाइमस्टोन।
अब आगे चलते हैं। लेकिन अगर कैल्शियम, अब देखिए चूना पत्थर जो है उसमें क्या क्या हो गया, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट है, दूसरा मैग्नीशियम कार्बोनेट अवेलेबल है। अब डिपेंड करता है कितनी कितनी मात्रा में अवेलेबल है, तो उसके आधार पर भी इसका नाम चेंज हो सकता है। तो द मिनरल कंटेनिंग मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, यानी इसका मतलब यह है कि अगर जो मिनरल्स हैं कौन कौन से, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, अगर उन दोनों का प्रपोर्शन इक्वल है लाइमस्टोन के अंदर, यानी जो लाइम प्योर लाइमस्टोन है उसके अंदर अगर हमारे ये दोनों मात्राएं अगर उपलब्ध हैं तो, और बराबर मात्रा में है, तो उस केस में हम प्योर लाइमस्टोन ना कहकर उसे क्या कहेंगे, हम डोलोमाइट कहेंगे। ध्यान रखना इस टॉपिक पर कि प्योर लाइमस्टोन, तो प्योर लाइमस्टोन क्या कहेंगे, कैल्साइट। अगर कैल्साइट है तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, CaCO3 अवेलेबल है। लेकिन अगर उसके अंदर प्योर लाइमस्टोन में अगर कैल्साइट के अलावा कुछ और भी है तो उसे हम प्योर लाइमस्टोन ना कहकर हम उसे क्या कहेंगे, डोलोमाइट लाइमस्टोन। कब, जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ मैग्नीशियम कार्बोनेट भी उसके अंदर अवेलेबल होगा, तब उस केस में हम उसे क्या कहेंगे, डोलोमाइट लाइमस्टोन कहेंगे। लेकिन अगर इन दोनों का प्रपोर्शन इक्वली है तो उस केस में हम उसे क्या कहते हैं, डोलोमाइट। और डोलोमाइट का फार्मूला आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इस फार्मूले को हमें अच्छी तरह याद करना है, CaMgCO3 का होल ट्वाइस। डोलोमाइट का फार्मूला अक्सर हमें देखने को मिलता है, इसमें पूछता है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा कितनी है, तो 45% से ज्यादा होगी, यानी 50-50 होगी दोनों की लगभग, इक्वल प्रपोर्शन में है तो 45% से। अक्सर एग्जाम में मैंने देखा है कि जो क्वेश्चन ऑप्शन में रहता है 45+ उसका आंसर होता है, तो 45+ इसका हमारा आंसर होगा, यानी 45% में हमारा क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम के अंदर हमारा क्या होता है, अवेलेबल होता है प्योर लाइमस्टोन के अंदर। तो अब देखिए यहां पर लाइम के हमारे कितनी फॉर्म्स हो गई, एक तो पहला हुआ हमारा कैल्साइट, कैल्साइट का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट यानी प्योर लाइमस्टोन, और उसके अंदर मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है, तो उस केस में इन दोनों केस में हम कहेंगे डोलोमाइट लाइमस्टोन, और अगर इन दोनों का प्रपोर्शन अगर इक्वल है तो उस केस में हम कहेंगे इसे डोलोमाइट। डोलोमाइट में हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना होता है, 45+, यानी दोनों बराबर बराबर होंगे लगभग, तो 50-50% दोनों का इसमें वैल्यू होगी। अब आगे आता है कंकर लाइम, तो देखिए कंकर लाइम जब हम हाइड्रोलिक लाइम बनाते हैं, देख क्विक लाइम बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैल्साइट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट यूज करते हैं, चूना पत्थर यूज करते हैं हम किसके लिए, क्विक लाइम बनाने के लिए। तो एक ही हमारा प्योर लाइम है तो उसको बनाने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, यानी इसको अगर हम बर्न करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, क्विक लाइम बनेगा। लेकिन अगर हमें हाइड्रोलिक लाइम बनाना है तो उस केस में हम यूज करते हैं कंकर लाइम। तो कंकर लाइम क्या है, कंकर लाइम एक इम्प्योर लाइम है। अब देखिए इम्प्योर क्यों कह रहे हैं इसे, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ यानी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ उसके पास और भी उसके अंदर इम्प्योरिटीज की फॉर्म में हमारे कई टाइप के हमारे मटेरियल उपलब्ध होंगे, कई टाइप के हमारे उसके अंदर मिनरल्स होंगे। तो जब हम इम्प्योरिटीज इन लाइमस्टोन की क्लास पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा, यहाँ पर ये टॉपिक दोबारा से हम पढ़ेंगे कि इम्प्योरिटी हमारी लाइम के अंदर किस किस कॉन्स्टिट्यूंट्स की वजह से इम्प्योरिटी आती है। तो अभी तो फिलहाल में इतना ही समझिए कि ऐसा लाइम जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा कुछ इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में कुछ और मटेरियल हैं, जैसे कि सिल्का, क्ले, बहुत सारे हमारे इसके अंदर मटेरियल हो सकते हैं, तो वो इम्प्योरिटी की फॉर्म में अगर उपलब्ध है यहाँ पर तो उस केस में उसे कहते हैं कंकर लाइम। और ये लाइम हमारा अंडरग्राउंड यानी जमीन के अंदर एक लम्स की फॉर्म में यानी ढीलों की फॉर्म में रहता है, तो यानी कि दीज अकर्स इन द फॉर्म्स ऑफ नूडल्स एंड कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स, यानी कि ये हमारा कॉम्पैक्ट ब्लॉक या नूडल्स की फॉर्म में, ब्लॉक्स की फॉर्म में हमारा रहता है, तो ये हमारा क्या है, कंकर लाइम। तो याद रखेंगे कि कंकर लाइम इज अ इंप्योर लाइम, एक अशुद्ध चूना है, और इसका यूज हम किस लिए करते हैं, हाइड्रोलिक लाइम बनाने के लिए। यानी अगर कंकर लाइम का अगर हम कैल्सिनेशन करते हैं तो जो मिलने वाला लाइम है, जो लाइम हमें प्राप्त होगा, वो हमारा कैसा लाइम होगा, हमारा हाइड्रोलिक लाइम होगा। हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं, आगे देखें तो कंकर लाइम क्या हो गया, इट इज ए इम्प्योर लाइम, ये एक अशुद्ध चूना है, और इसका यूज किसकी फॉर्म में होता है, नूडल्स एंड कॉम्पैक्ट ब्लॉक की फॉर्म होगा इसका। इट इज यूजफुल टू द मेक हाइड्रोलिक लाइम, यानी हाइड्रोलिक लाइम बनाने के लिए इसका यूज हम करते हैं। आगे बात करें सेल लाइम, यानी सेल लाइम किसे कहते हैं, देखिए सेल लाइम भी एक इम्प्योर, एक प्योर लाइम है। कैसे बनाया जाता है, जो हमारे सी एनिमल्स हैं तो उनके सेल से हम, जो सी एनिमल्स यानी जो समुद्री जानवर होते हैं उनके सेल से हम क्या करते हैं, सेल लाइम को हम प्राप्त करते हैं, उसकी बर्निंग करके हम क्या प्राप्त कर पाएंगे, सेल लाइम। और सेल लाइम भी एक प्योर लाइम है। तो अब आगे देखें, इट इज यूज्ड टू लाइम पिनिंग, व्हाइट वॉश एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन एंड ग्लास प्रोडक्शन, यानी कि
सेल लाइम का हम यूज कैसे कैसे करते हैं। सेल लाइम हमारा यूज होता है ग्लास प्रोडक्शन यानी कि कांच निर्माण के लिए इसका यूज होता है। दूसरा सॉइल स्टेबलाइजेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हमारा व्हाइट वॉशिंग वगैरह के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये हमारे सोर्स ऑफ लाइम है यानी कि जो लाइम हम बनाना चाहते हैं यानी जिसका हम एक्चुअल मतलब समझते हैं कि इस लाइम का हम कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे यानी पुताई के लिए यूज करेंगे, प्लास्टर के लिए यूज करेंगे या फिर उसे हम मेजनरी के लिए उसका हम मोर्टर बनाने के लिए यूज करेंगे। तो उस लाइम को बनाने के लिए हम ये तो हमारे क्या है सोर्सेज हैं। अब इन सोर्स का हमें करना क्या है, इन सोर्स को हमें जलाना है, उसको हमें कैल्सिनेशन करना, उसके बाद में हम लाइम प्राप्त कर पाएंगे। देखें कैसे। अब हमने समझ गए प्योर लाइमस्टोन। प्योर लाइमस्टोन का मतलब क्या हुआ, कैल्साइट यानी कि ऐसा लाइमस्टोन जिसमें हमारी कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत ज्यादा है यानी प्योर है वो एक तरह, उसके अलावा उसके अंदर कोई भी कॉन्स्टेंट उपलब्ध नहीं है। तो उस केस में प्योर लाइमस्टोन की अगर हम हीटिंग करते हैं कितनी 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसे हम अगर जलाते हैं तो उस केस में जो हमें मिलने वाला लाइम होगा वो क्विक लाइम होगा यानी क्विक लाइम हमें एक क्या है एक प्योरेस्ट फॉर्म है हमारी लाइम की जो हमें प्राप्त होती है कब, जब हम प्योर लाइमस्टोन को जलाते हैं। इसकी रिएक्शंस आप समझे, देखें ये हमारा क्या है प्योर लाइमस्टोन है। प्योर लाइमस्टोन को अगर हम जलाएंगे 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैल्सिनेशन करेंगे, कैल्सिनेशन मैं अभी बता चुका हूं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी चीज को तब तक जलाना जब तक कि वो रेड हॉट ना हो जाए, तो उसे हम जलाएंगे अगर 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो होगा क्या, इसमें से CaO यानी क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड या ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम कह सकते हैं और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी हमारी निकल जाएगी इसमें से। तो क्या बचा, हमें मिलता है क्विक लाइम। अब देखिए क्विक लाइम को हम किसी भट्टी वगैरह में जला रहे होंगे तो उस भट्टी से जब लाइम हमें प्राप्त होगा तो कैसे होगा, वो ढेलों की फॉर्म में होगा, लम्स की फॉर्म में होगा। तो इसीलिए इसी क्विक लाइम को जब ये कमिंग आउट फ्रॉम क्लिन यानी कि जब ये भट्टी से हमें प्राप्त होता है तो इसी क्विक लाइम को हम क्या कहते हैं, लम्प लाइम कहते हैं। आगे हमारा इसी लाइम को हम कास्टिक लाइम भी कहते हैं क्योंकि इसकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, बहुत ज़्यादा प्योर लाइम है ये, तो ये हमारा हो गया कास्टिक लाइम भी, इसको नाम इसी को हम जानते हैं। आगे आता है कि अगर इम्प्योर लाइम का अगर हम कैल्सिनेशन करें, मैंने अभी बताया आपको इम्प्योर लाइम मीन्स कंकर, अगर हम कंकर का कैल्सिनेशन करते हैं तो हमें मिलता है देखने को हाइड्रोलिक लाइम। अब हाइड्रोलिक लाइम क्या है, इसके लिए हम एक डिटेल्ड में पूरी क्लास बनाएंगे, इससे जस्ट अगला लेक्चर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक लाइम या क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल में अभी आप इतना समझेंगे कि हाइड्रोलिक लाइम एक ऐसा लाइम है जो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है यानी इसके अंदर एक ऐसा हाइड्रोसिटी इसके अंदर होती है यानी इसके अंदर ऐसा जलीय गुण है, अगर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन इसका हम यूज करते हैं तो ये सेट भी होता है और प्रॉपर हार्ड भी होता है। तो इसका हम यूज करते हैं अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए, इसका यूज करते हैं तो वो तो कहलाता है हमारा हाइड्रोलिक लाइम। अब देखिए यानी अब हमने इन सब के बारे में पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा हमने लाइम से रिलेटेड हमारे कौन कौन से सोर्स थे और उन सोर्स से हम कैसे प्योर लाइम बनाएंगे, कैसे इम्प्योर लाइम बनाएंगे, कैसे इम्प्योर लाइम से हम हाइड्रोलिक लाइम बनाएंगे, कैसे प्योर लाइम से हम क्विक लाइम या कास्टिक लाइम या लंप लाइम बनाएंगे। लेकिन अब इससे जुड़ी हुई हमारी और भी टर्मिनोलॉजी है और इन टॉपिक्स को हम और अगर बारीकी से पढ़ना चाहें तो देखिए यहाँ से ये सारे क्वेश्चंस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि कास्टिक लाइम किसे कहते हैं, लंप लाइम कब प्राप्त होता है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हम कैल्सिनेशन करते हैं, कैल्सिनेशन करने के बाद हमें क्या मिलता है, क्विक लाइम हमें कब प्राप्त होगा, प्योर लाइम, तो ये सारे पॉइंट्स कैसे हैं कंपटीशन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, आगे देखें क्विक लाइम की अगर हम बात करें तो हम पहले ही जान चुके कि क्विक लाइम को हम कास्टिक लाइम कहते हैं, तो क्विक लाइम इज ऑल्सो नोन एज कास्टिक लाइम। दूसरा है क्विक लाइम व्हेन कम्स आउट फ्रॉम किलिंग, ये भी मैंने बता दिया कि अगर वो भट्टी से प्राप्त होता है तो उसमें लम्प्स की फॉर्म में यानी ढीलों की फॉर्म में होता है तो उस केस में उसे हम कहते हैं लम्प लाइम। लेकिन लम्प लाइम ही क्या है हमारा कास्टिक लाइम है और वही हमारा क्या है क्विक लाइम भी है। आगे इट इज वेरी अनस्टेबल, देखिए जब हम बात करते हैं कि जो क्विक लाइम है, क्विक लाइम जब हम भट्टी से प्राप्त करते हैं तो उस केस में जो हमें मिलता है वो लाइम हमारा कैसा होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, अनस्टेबल क्यों, क्योंकि हमने कैल्सिनेशन के थ्रू इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हमने अलग की है लेकिन होता क्या है ये दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करने लगता है और दोबारा से कन्वर्ट होने लगता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैल्शियम साइकिल के बारे में कि कैल्शियम साइकिल हमारा क्या होता है यानी लाइम साइकिल हमारा क्या होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखें
इट इज़ वेरी अनस्टेबल, यानी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है ये. क्यों है? बिकॉज इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड कन्वर्ट लाइम कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड से दोबारा से उसको एब्जॉर्ब करता है और दोबारा से क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट में CaCO3 में दोबारा से कन्वर्ट होने लग जाता है. तो इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारा हाईली अनस्टेबल, इसको हमने बोला है. आगे आता है हमारा, अच्छा स्पेसिफिक ग्रेविटी इसे कहते हैं 3.4. याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्विक लाइम की हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 3.4. ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे. आगे आता है हमारा हाइड्रेटेड लाइम. अब देखें हमने क्या किया, जो लंप लाइम है उसे हमने बारीक से महीन पाउडर की फॉर्म में उसे हमने कर लिया और उसको हमने क्या किया, उसके ऊपर हमने स्प्रिंकलिंग की. स्प्रिंकलिंग मतलब है पानी का हमने छिड़काव किया. अब पानी जैसे ही इससे रिएक्ट करेगा, यानी CaO से जैसे ही पानी रिएक्ट करता है तो क्या होता है, चूना क्या होता है, स्लैक होने लगता है, यानी बुझने लगता है. तो होगा ये कि कैल्शियम ऑक्साइड जब हाइड्रोन पानी से क्रिया करेगा तो बनेगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी COH का होल्टोइज बनता है और इसमें हीट हमारी प्रोड्यूस होती है इस प्रोसेस में. तो हम ये कहेंगे कि व्हेन फाइनली क्रस्ट क्विक लाइम, यानी जब क्विक लाइम को हम बहुत महीन फाइनली क्रस्ट कर देते हैं एंड रिएक्ट्स विद मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर. देखिए पानी का मतलब पूरी हमने बहुत ही कम मात्रा दी, हमने सिर्फ छिड़काव किया है, तो उस केस में हमारा वो पाउडर फॉर्म में बन जाता है, यानी फाइन होमोजीनियस पाउडर फॉर्म में बन जाता है और उस लाइम को हम कहते हैं हाइड्रेटेड लाइम या स्लैक्ड लाइम. क्या कहते हैं इसे, हाइड्रेटेड लाइम या और स्लैक्ड लाइम कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या किया है, स्लैकिंग प्रोसेस किया है बहुत ही कम मात्रा में. तो ये बना हमारा क्या, हाइड्रेटेड लाइम या स्लैक्ड लाइम. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम क्विक लाइम को बहुत ही फाइनली क्रस्ट कर दें, बहुत ही छोटे छोटे बारीक उसमें हमने कर लिया, उसे पीस दिया, तो उस केस में अगर उसको हम स्प्रिंकलिंग के यानी मिनिमम वाटर के कॉन्टैक्ट में लाएं तो वो पानी से रिएक्ट करके क्या बन जाता है, एक पाउडर फॉर्म में फाइन होमोजीनियस पाउडर बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड लाइम या स्लैक्ड लाइम उसे हम कहते हैं. चलिए अब आगे समझते हैं इन लॉन लाइम के बाद. अब आता है हमारा फैट लाइम, की फैट लाइम हम किसे कहते हैं. देखिए वैसे जनरली देखा जाए तो फैट लाइम और क्विक लाइम में बेसिकली कोई अंतर नहीं है, लेकिन सोर्स का इसमें डिफरेंस है कि फैट लाइम हम क्या है? तो फैट लाइम हैज हाई CaO यानी हाई कैल्शियम ऑक्साइड. जाहिर सी बात है दोनों में सिमिलरिटी आ गई यहाँ पर कि क्विक लाइम में भी हमारा क्या था, हाई परसेंटेज ऑफ CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में था, हाई क्वांटिटी में था. यहाँ पर फैट लाइम में भी क्या होता है, प्योर लाइम है ये भी एक तरीके का, इसमें इम्प्योरिटीज हमारी बहुत कम होती है. आगे आने वाली क्लास में जब हम इनको डिफरेंस करेंगे तो बहुत डिटेल में जानेंगे कि फैट लाइम में हमारे कितनी मात्रा में इसमें परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज होती है, कितनी मात्रा में प्योरिटी होती है, जब कंपेरिजन करेंगे तब उसको बात करें. फिलहाल में अभी आप हम जनरल डिस्कशन ये कर रहे हैं कि क्विक लाइम और फैट लाइम कैसे सिमिलर हैं. तो इसमें हमारे क्या है, फैट लाइम हैज हाई कैल्शियम ऑक्साइड, इसी तरह से हमारे इसमें भी हमारी हाई कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसमें भी हमारा हाई कैल्शियम ऑक्साइड था. दूसरा, फैट लाइम सेट एंड हार्ड आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ CaO, यानी कि अगर इसको भी खुला छोड़ दिया जाए एटमॉस्फेयर में तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके दोबारा से कन्वर्ट होने लगता है CaCO3 में, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि हमारा क्विक लाइम कन्वर्ट हो रहा था एब्जॉर्ब करके क्या, कार्बन डाइऑक्साइड. अब बात करते हैं इसमें कि डिफरेंट क्यों है, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो किस किस से, ये कुछ अलग अलग पदार्थों से इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जैसे कि मार्बल से, सी सेल से, कोरल से. तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सी सेल से कौन सा लाइम बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये याद रखेंगे. तो सी सेल से बनाया जाने वाला लाइम हमारा होता है फैट लाइम. अब आता है हमारा हाइड्रोलिक लाइम, जनरल डिस्कस इस पर भी हम करते हैं. तो हाइड्रोलिक लाइम क्या है, हाइड्रोलिक लाइम कंटेन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सिलिका एल्यूमिना आयरन ऑक्साइड इन केमिकल कंपोजिशन विद कैल्शियम ऑक्साइड कंपोनेंट्स. यानी इसका मतलब ये, मैंने अभी आपको बताया था कि हाइड्रोलिक लाइम एक ऐसा लाइम है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंप्योरिटीज भी होती हैं, और इंप्योरिटीज कौन कौन सी होती है, हमारी आयरन ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिना, ये इंप्योरिटीज होती है. तो एल्यूमिना जो इसमें प्रॉपर्टीज़ है, यानी जो क्ले इसके अंदर इम्प्योरिटीज हमें उपलब्ध होता है, उस वजह से इसमें क्या आती है, हाइड्रोसिटी का प्रॉपर्टी आती है, और उसी के कारण ये
अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन सेट और हार्ड होने की प्रॉपर्टी रखता है। तो हम यहीं पर यही लिखेंगे हाइड्रोलिक लाइम हैज प्रॉपर्टी सेट एंड हार्डर अंडर वाटर, यानी कि पानी के अंदर ये सेट भी होता है और हार्ड भी होता है। आगे है हाइड्रोलिक लाइम मैन्युफैक्चर्ड बाय बर्निंग ऑफ कंकर लाइम। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर इम्प्योर लाइम में अगर हम कंकर लाइम की बर्निंग करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, हाइड्रोलिक लाइम मिलता है। तो चलिए, अब मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा लाइम साइकिल की अगर हम बात करें, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ एक रिलेशन बन रहा है इन सब में, तो लाइम साइकिल के बारे में हम बात करते हैं यहां पर। तो इसको हम लाइम साइकिल के बारे में अगर आप देखें, लाइम साइकिल में अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से लाइम साइकिल बन रहा है, देखें लाइम साइकिल में सबसे पहले हमारे पास क्या था, प्योर लाइम स्टोन यानी CaCO3 था, उसको हमने क्या कर दिया था, उस पर हमने दिया था उसमें हमने क्या किया था, कैल्सिनेशन किया था। और कैल्सिनेशन हमने कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर किया है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फिर उसमें से क्या हुआ, कैल्सिनेशन होने पर हमारी रिएक्शन क्या बनी, CaO+CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिलीज हो गई, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया इसमें, उसके बाद हमने कर दिया कि डायरेक्टली क्विक लाइम जो है इसको हमने स्प्रिंकलिंग कर दी इसके ऊपर, यानी एटमॉस्फेयर से ये कुछ मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर हम उस पर स्प्रिंकलिंग कर देंगे तो पानी कॉन्टैक्ट में जैसे ही आएगा, यानी जब इस पर हम H2O की रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है, CaOH का होल ट्वाइस। इसका मतलब ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके वापस क्या बन जाता है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो ये पूरा हमारा जो साइकिल है ये चलता रहता है, यानी इसका कैल्सिनेशन करेंगे तो ये बन जाएगा, पानी की रिएक्शन होगी तो ये बन जाएगा, CO2 की रिएक्शन होगी तो ये बन जाएगा। तो ये हमारा जो पूरा साइकिल है ये हमारा क्या कहलाता है, लाइम साइकिल कहलाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने पढ़ा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इसमें जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा, इसमें ऐसा कोई भी शायद कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो कंपटीशन के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। तो ये सारे आपको ढंग से तैयार करने हैं पॉइंट्स को, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम्स के बारे में, और उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से लाइम में कौन सी इंप्योरिटीज होती है और उसका क्लासिफिकेशन हम किस आधार पर करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।